जागते रहो सो रही है पुलिस, क्या यही हकीकत में है? क्योंकि जिससे घटनाएं घटित होती हैं उससे तो यही लग रहा है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पहुंची महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या पुलिस खून की होली खेलने के बाद जागेगी? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रीवा के SP ऑफिस पहुंचे एक गरीब पीड़ित परिवार कह रहा है। ताजा मामला रीवा के सिटी कोतवाली का है, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जय स्तंभ चौराहा के पास एक पीड़ित परिवार वर्षों से अपनी पुश्तैनी आवास में रह रहा है। उनका यह आरोप है कि कुछ भूमाफियों के गुंडों द्वारा उनको उनके घर से निकाला जा रहा है। यही नहीं, उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और उनके घर के पास कई वर्षों से कुछ पेड़ लगे हुए हैं जिसको काटा जा रहा है। यह आरोप पीड़ित परिवार ने रीवा के SP ऑफिस पहुंचकर लगाया है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि सरकार पेड़ लगाने की बात करती है और यहां तो पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं तो कुछ भूमाफियाओं गुंडों द्वारा मारपीट की जाती है। पीड़ित इसिता सेन ने बताया कि हम लोग यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने रीवा के सिटी कोतवाली में कई दिनों से की है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जिससे इसिता ने अपने परिवार के साथ रीवा SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं परिवार ने मीडिया को मारपीट का वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से भूमाफियाओं दलालों द्वारा किस तरह से गरीब परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर इसलिए उठता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंचती है? अब इसका जवाब तो रीवा पुलिस अधिकारी ही दे सकते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन गरीब परिवार पीड़ित को किस तरह न्याय दिला पाती है। सर इशिता सेन, क्या समस्या? सर समस्या ये है कि हमारे घर में 100 साल पुराना हरा भरा पेड़ लगा था बरगद और नीम का, उसकी पूजा होती थी। तो ये बगल वाले हमारे बिना हमको कोई इन्फॉर्म किए वो जबरदस्ती गुंडों को ला करके, दलालों को ला कर उनको कटवा दे जबरदस्ती। पार्षद अंकल लोग सब आए थे, सब ने रोक करने की कोशिश की, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं कि जिसको जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते हैं। और धमकी दे रहे सर, हमारा घर भी गिरा दिए हैं आधा। हम लोग 3 बार कोतवाली में कंप्लेन कर चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा सर। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर गिरा दिया, बाथरूम तोड़ रहे हैं, धमकी दे रहे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, नंगा करके घर से बाहर निकाल देंगे। सर हम लोग बहुत सारे गुंडों खड़ा किए हैं सर, हम लोग पास ना पावर है और हम लोग सुन नहीं रहे हैं। ये नहीं, हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ कुछ करिए, मदद करिए। जी सर, हम गए थे, वो अप्लीकेशन ले लिए हैं और मतलब कुछ सुने नहीं, वो जल्दी में थे शायद। सर एक बार पहले गया था, 1 महीने पहले, जब हम लोग को पहला पेड़ हम लोग का काटा गया था, और फिर अभी 2 बार किया, कोई नहीं सुन रहा। कितने दिन से आप परेशान हैं? सर अभी परसों से नाटक करना शुरू कर दिए हैं। आप सब लोग बोलते हरा भरा पेड़ लगाओ, हम लोग को 100 साल पुराना पेड़ सर बताइए, हम लोग उसके नीचे पले बढ़े हैं, ऐसे कैसे कोई काट सकता है बिना परमिशन के? छाटने बस की परमिशन मिली थी, पूरा जड़ से काट दिए और जानबूझ के हम लोग के घर में गिरा दिए, जिसमें हम लोग घर खाली कर दें। सर नाम हम नहीं जानते, कोई KP सिंह करके हैं और कोई सिंधी लोग हैं, और जिनके नाम पे घर वो तो दिख ही नहीं रहा, बस उनकी वाइफ सबको गुंडे को बुला बुला के परेशान करवा रही है हम लोगों को। सर लालच में आके कर रहे हैं और मुझे नहीं पता सर, मेरा पेपर हम पढ़ नहीं पा रहे, कल मेरा पेपर है सर, बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? सर रिशिता सेन, हमारे पापा थोड़ा असमर्थ हैं और दादी पापा को बहुत परेशान कर मारने की धमकी दे रहे हैं सर। क्या नाम है? हमारा मीराबाई सेन। ये आज SP ऑफिस आए हैं, 2 बार वहाँ गए थे कोतवाली, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हमारा घर तोड़ दिए हैं, लाइट तोड़ दिए हैं, हमारे सास ससुर बुजुर्ग को ढोंसे हमारे हैं, और वहाँ से क्या गुंडा बुलाई है मरवाने के लिए, पेड़ हरा भरा कटवा दी है बरगद का 100 साल पुराना। इसकी शिकायत किए थे आप? हाँ किए हैं। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन लोग हैं जानते हैं? हाँ बगल में हैं।
परिवार राजेश सेन पुष्पा सेन। कौन से थाने में शिकायत दी है? सिटी कोतवाली में। कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ पर घर बना है आपका? हमारा जयस्तंभ में बना है। वार्ड नंबर 19 है। तो आप क्या चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारा जो घर और मकान वकान लेटरिन बाथरूम सब गिराने को वो कर रहे हैं तो रोका जाए।